धर्म प्रेमी सज्जन वृंद एवं प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, हमने कल की चर्चा में सुना मूर्ति पूजा और मुस्लिम काल का भाग एक। अब आगे उसी क्रम को बढ़ाते हुए, क्योंकि कल हमने मुहम्मद गोरी के आक्रमण तक सुना था, उसी क्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। मुहम्मद गोरी के आक्रमण के पश्चात दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था और यहाँ 3 वर्ष से ज़्यादा समय तक पठानों ने राज्य किया और उन्होंने भी अनगिनत तीर्थ और मंदिरों को विध्वंस किया। बिना उनकी आज्ञा के कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता था। मुस्लिम धर्म के विधान के अनुसार प्रत्येक हिंदू से जजिया लिया जाता था। जजिया एक प्रकार का कर होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोयल, रणथंबोर, अजमेर, ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण किया। हजारों मंदिरों को विध्वंस किया और लाखों हिंदुओं को तलवार के घाट उतार दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम मोहम्मद इब्ने बख्तियार ने बिहार और बंगाल पर चढ़ाई की। मार्ग में विश्वनाथ महादेव की सुरक्षित नगरी में हजारों मंदिरों को विध्वंस किया। बिहार के एक बौद्ध विद्यापीठ पुस्तकालय को, जिसमें 12,000 भिक्षु रहा करते थे, उसको जला दिया और वहाँ के जितने भी भिक्षु थे उनको मरवा दिया। कुछ दिनों के बाद अल्तमस ने उज्जैन पर आक्रमण किया और महाकाल के मंदिर को विध्वंस कर दिया और करोड़ों की संपत्ति लूटी। इस प्रकार 300 वर्ष तक हिंदुओं का विनाश होता रहा। इन्हीं पठानों के राज्यकाल में अफगानिस्तान से तैमूर ने इस देश पर आक्रमण किया। उसने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग मूर्ति पूजक हैं और सूर्य की पूजा करने वाले काफिर हैं। खुदा और खुदा के रसूल की आज्ञा है कि ऐसे काफिरों को कत्ल कर दो और इसीलिए मैं इस विचार से हिंदुस्तान पर चढ़ाई करना चाहता हूँ। इस पर सभी लोग चिल्ला उठे आमीन अल्लाह के बोल से। और ईस्वी सन 1389 में उसने भारत पर आक्रमण किया। ये जहाँ से होकर के जाता था वहाँ के नगरों को, गांवों को लूटता, उनमें आग लगाता था और निरपराध पुरुष स्त्रियों को मारता या फिर बंदी बनाता था। भटनेर नाम के स्थान में उसने 1 घंटे में 10,000 हिंदुओं को मरवा डाला। दिल्ली पहुँचते उसके पास 2 लाख बंदी हो गए और उसने आज्ञा दिया कि 15 साल से अधिक आयु वाले स्त्री पुरुष मार दिए जाएं। ऐसा ही किया गया। रक्त की नदी बहने लगी। 5 दिनों तक दिल्ली में लूट, नरहत्या और सतीत्व नाश का अखंड राज्य रहा। लाखों हिंदू मार डाले गए। दिल्ली के बाद मेरठ पर हमला किया और 50,000 स्त्री पुरुष कत्ल कर दिए गए। असंख्य जवान स्त्री बच्चे बंदी बना लिए गए और प्रत्येक सैनिक के पास 20 से 100 तक कैदी थे। यहाँ से वह हरिद्वार गया। हरिद्वार में एक पर्व लगा हुआ था। यात्रियों की बहुत भीड़ थी। मेले में उसने कत्लेआम की आज्ञा दी। गंगा का जल रक्त से लाल हो गया। मंदिरों की क्या दुर्दशा हुई होगी इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। इस तरह से लूटमार करके वो वापस काबुल चला गया और वो भारत से इतना धन ले गया कि अगले 8 वर्ष तक उसकी सेना को समय से पहले ही वेतन मिल जाता था। अब इस समय तक उत्तर पश्चिम का अधिकांश हिस्सा मुस्लिमों के अधीन था। हिंदू जाति प्रायः नष्ट हो चुकी थी। उसमें विरोध करने की शक्ति का अभाव था। आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों को एक एक सैनिक 100-100 लोगों को बंदी बना करके अपने वश में रख सकता हो, क्या उसे मनुष्य कह सकते हैं? एक व्यक्ति सरलता से 100 भेड़ बकरियों को भी इकट्ठा नियंत्रण में नहीं रख सकता। एक समय ऐसा आया कि पठानों का राज्य भी नष्ट हो गया और मुगलों का साम्राज्य आया। जब मुगलों का साम्राज्य आया तो उस समय अकबर, जहांगीर और शाहजहां के राज्य में इस्लाम की जो मधांधता थी उसमें कुछ कमी आ गई। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयत्न किया। दक्षिण भारत को छोड़कर के लगभग समस्त भारत में इनका राज्य विस्तार भी हो चुका था और राज्य व्यवस्था में बहुत कुछ मुस्लिम का विधान ही चल रहा था।
ये सब कुछ होते हुए भी बहुत अंशों में शांति का वातावरण था। इस काल में हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता पूर्णतः तो नहीं थी, क्योंकि राज्य का अधिकारी लगभग मुसलमान ही हुआ करता था। प्रत्येक मुसलमान धर्म प्रचार करना अपना कर्तव्य समझता है, जो कि उस समय में भी था। इसलिए हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की पूर्ण रूप से आशा रखना उनसे व्यर्थ था। फिर भी हिंदुओं की अवस्था पहले से कुछ ज्यादा अच्छी थी, लेकिन फिर भी दास तो दास ही होता है। जब शाहजहां को बंदी बनाकर औरंगजेब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तो उसने अपनी कट्टरता इस तरह से दिखाई कि जब वो काशी पहुंचा, तो काशी पहुंच करके उसने पंडितों को आज्ञा दिया कि हर प्रकार का पठन पाठन, हिंदू धर्म ग्रंथों का पठन पाठन बंद कर दिया जाए, और जितने भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर थे उनको तोड़वा करके उसने मस्जिदें बनवा दी। विश्वनाथ महादेव की मूर्ति को पुजारियों ने डर के मारे कुएं में इसीलिए डाल दिया कि इसको औरंगजेब की सेना न तोड़ दे। आज भी मंदिर के स्थान पर मस्जिद खड़ी है। मथुरा में भी उसने यही किया और हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया। औरंगजेब की बनाई गई मस्जिद आज भी मथुरा में विद्यमान है। इसने प्रत्येक प्रांत के शासक को आज्ञा पत्र लिख करके भेजा कि मंदिर ढहा दिए जाएं, मूर्तियां तोड़ दी जाए, पाठशालाएं बंद कर दी जाए। कुरुक्षेत्र के मेले में जाकर लाखों हिंदुओं को इसने अकारण ही कत्ल कर दिया। हिंदुओं से इसने फिर से जजिया कर लेना प्रारंभ कर दिया, जो कि अकबर जहांगीर और शाहजहां के समय में बंद हो चुका था। अब औरंगजेब के अत्याचार से हिंदू क्षुब्ध हो गए, और लगभग 500 वर्ष से भी अधिक समय तक अत्याचार सहन करने के बाद मुस्लिम शक्ति के विरुद्ध उठ खड़े हुए। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और दक्षिण में शिवाजी ने सैनिक शक्ति संगठित किया। बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल जी ने सैन्य शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया और औरंगजेब का विरोध करना शुरू किया। अंत में औरंगजेब लड़ते लड़ते बूढ़ा भी हो गया और दक्षिण में मारा गया। इस तरह से मुगल साम्राज्य भी विनाश की ओर जाने लगा। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने उसके बाद जनता को संतुष्ट रखने की चेष्टा तो की, लेकिन वह विफल हुई। सिखों ने पश्चिम उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। मध्य और दक्षिण भारत में राजपूत और मराठों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, और मुगल राज्य केवल दिल्ली के आसपास में ही रह गए। हिंदुओं को फिर से संगठित होकर के स्वाधीन होने का अवसर मिला, लेकिन इनकी जो आंतरिक विभिन्नताएं हैं, जिनसे कि वह आज भी मुक्त नहीं हुए हैं, उनके मार्ग में उस समय भी चट्टान बन करके खड़ी हो गई। अब 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के 17वीं शताब्दी अर्थात पूरे 1000 वर्ष तक का जो समय था, जो कि मूर्ति पूजा द्वारा उत्पन्न मानसिक दुर्बलता, उस दुर्बलता के कुपरिणाम के स्वरूप जो हिंदू जाति के सामाजिक और राष्ट्रीय पतन का भलीभांति दिग्दर्शन कराता है, उसके कारण 7वीं से 17वीं शताब्दी तक 1000 वर्ष तक भारतवर्ष गुलाम बना रहा। उसके बाद भी लगभग 200 वर्षों तक भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम बना। अब उधर क्या हुआ, 15वीं शताब्दी में यूरोप में मूर्ति पूजा प्रचलित हो चुकी थी। वहाँ के ईसाई रोमन कैथोलिक जो हैं वो मूर्ति पूजक थे, और वहाँ जो पोप और मॉन्क हुआ करते थे उनकी वही अवस्था थी जो यहाँ के महंत और पुजारियों की थी, और उस मूर्ति पूजा की वजह से यूरोप की भी दुरावस्था हो गई थी। 9वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों ने समस्त यूरोप को रौंद डाला था, और वहाँ पर भी गिरजों का विध्वंस कराया गया। लाखों ईसाई तलवार के घाट उतार दिए गए, किंतु यूरोप में 16वीं शताब्दी में एक घोर धार्मिक क्रांति हुई। मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट मत को जन्म दिया, जिसमें ईसाई धर्म में मूर्ति पूजा, पोप और महंत आदि के जितने भी दुष्कर्म थे वो समाप्त हो गए। यूरोप में वर्तमान काल में जो उत्थान है उसका सूत्रपात उसी समय से हुआ। सत्य तो ये है कि जो भी जाति एक चेतन ईश्वर से विमुख होकर के मूर्ति आदि जड़ पदार्थ को अपना उपास्य मानती है, वो हमेशा इसी घोर अंधकार में पड़ी रहती है। इसीलिए तो यजुर्वेद में कहा, अंध तमह प्रविशंति ये संभूति उपासते। जो एक चेतन परमात्मा को छोड़ करके व्यक्त तथा अव्यक्त प्रकृति से युक्त अनेक पदार्थों की उपासना करता है, वह घोर अंधकार में चला जाता है। अब जिस तरह से अरब के मुस्लिम आक्रांताओं से 16वीं शताब्दी के बाद जाकर
यूरोप मुक्त हुआ। इधर भारतवर्ष में भी औरंगजेब के बाद धीरे धीरे मुस्लिमों से मुक्त हो रहा था, लेकिन इस मूर्ति पूजा का उसे कितना भारी मूल्य चुकाना पड़ा। बार बार हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया गया, मूर्तियां तोड़ी गई और उन्हें मस्जिदों और महलों की सीढ़ियों में लगाया गया। तीर्थ स्थानों का असंख्य धन लूटा गया, लाखों हिंदुओं को अपना जीवन देना पड़ा, लेकिन फिर भी पुराने मंदिरों के स्थान पर आज भी नए मंदिर बनते जा रहे हैं। टूटी हुई मूर्तियों के स्थान पर नए मूर्ति बन रहे हैं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। न करने वाले सोच रहे हैं, न करवाने वाले सोच रहे हैं। कहने का मतलब, न मूर्ति पूजा करने वाले और न मूर्ति पूजा करवाने वाले सोच रहे हैं कि ये जो टूटी हुई मूर्ति थी वो किस कारण से टूटी थी। ये जब स्वयं टूटने से स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती तो फिर दूसरों की रक्षा कैसे करेगी। इनमें चेतनता नहीं है, इसमें सत्यता नहीं है, तो फिर ये हमारी रक्षा कैसे कर सकती है, ये किसी ने भी नहीं सोचा। आज भी नई नई मूर्तियां बन रही है, नए नए मंदिर बन रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसमें लाखों करोड़ों का अरबों का चढ़ावा आ रहा है। भारत में ही सबरीमाला का एक मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें वार्षिक वर्ष में 1200 करोड़ के लगभग का चढ़ावा आता है। अगर उस 1200 करोड़ को एक वर्ष के चढ़ावे को भी, एक वर्ष के आय को भी अगर 1200 करोड़ का 2200 करोड़ खर्च करके अगर विश्वविद्यालय बनाए जाएं, तो कम से कम भी 6 विश्वविद्यालय खड़े हो सकते हैं और 200 करोड़ किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं लगता। 2 करोड़ में तो बहुत अच्छी शिक्षण संस्थान खड़ी हो सकती है और ऐसे 600-600 शिक्षण संस्थान तो एक मंदिर के वार्षिक आय से ही बन सकती है। और ये तो केवल एक मंदिर का नाम लिया मैंने, ऐसे भारत में हजारों मंदिर हैं जिसका वार्षिक आय कई करोड़ से ऊपर का होता है। इन मूर्तियों के बल पर मंदिर और मंदिरों के बल पर तीर्थ स्थान अपना व्यापार चलाते हैं। अब इसमें सबकी आय जोड़ी जाती है। अब महंत, पुजारी और जितने भी लोग हैं सभी लोग इस बात का विरोध करते हैं। यात्रियों के आगमन से जितने भी तीर्थ में रहने वाले पंडित पुजारी होते हैं उनका भी लाभ होता है। यात्रियों के क्रय विक्रय से व्यापारियों की दुकान चलती है। अब राज्य को कर की आय है। यात्रा से लड़कर के बड़े बड़े ब्रह्म भोज, दान दक्षिणा भी इसी मूर्ति पूजा की देन होती है। अब सोचिए कि जब इतना बड़ा आर्थिक लाभ हो रहा है किसी को, तो फिर इतना बड़ा व्यापार कौन बंद करेगा। लेकिन इस कुछ आर्थिक लाभ के पीछे भारतवर्ष जो इतने वर्षों तक गुलाम रहा और आज भी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी भारतवर्ष में जो गरीबी है वो इसी कारण से। नहीं तो सोचिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं को माना जाता है। धन की देवी अलग है, विद्या की देवी अलग है, शक्ति की देवी अलग है, लेकिन यहीं के लोग निर्धन हैं, यहीं के लोग विद्या से हीन हैं। आज भले ही साक्षरता प्रतिशत 60 माना जाए, 70 माना जाए, लेकिन ये साक्षरता साक्षरता नहीं होती है। किसी के पास में 10वीं का या 12वीं का सर्टिफिकेट है या फिर किसी का स्कूल में नाम लिखाया जा रहा है, तो ये साक्षरता नहीं है। उस साक्षरता के पीछे हमारी शिक्षा का क्या स्तर है, इसको किसने देखा है। हमने साक्षरता के पैमाने ही कुछ अलग सेट करके रखे हैं, तो न यहाँ पर लोग साक्षर हैं, यहाँ की गरीबी के हालत कुछ और हैं। लाखों लोग प्रतिवर्ष भूख की वजह से मर जाते हैं। और आज से कुछ वर्ष पहले मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था किसी जगह पर कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भिखारी, सबसे ज़्यादा भिखमंगे लोग भारतवर्ष में हैं। इसका कारण क्या है? अगर कोई काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करने से ऐसा होता, तो उसी मंदिर के बाहर अगर काल्पनिक देवी देवता की पूजा करने से अगर धन की कोई देवी होती, उनकी पूजा करने से धन मिलता, ज्ञान की देवी की पूजा करने से अगर ज्ञान मिलता, तो फिर उसी धन की देवी के मंदिर के सामने, जहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के मंदिर हैं, उनके सामने क्या भिक्षुक नहीं होते? वो तो प्रत्येक दिन उनका दर्शन करते हैं। और जितने भी बड़े बड़े करोड़पति हैं, अरबपति हैं भारत से बाहर, क्या वो कौन सी देवी देवता की पूजा करते हैं जिससे कि वो अमीर हैं? वो अपना कर्म कर रहे हैं।
देवी या देवता आपको कुछ देंगे ये भावनाएं बिल्कुल व्यर्थ हैं। कोई भी देवी या कोई भी देवता आपको अपने कर्म के अलावा और कुछ नहीं देने वाले, पहली बात तो ये है नहीं। एक चेतन परमात्मा के अलावा किसी भी काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करना, उपासना करना, ये वेद, उपनिषद, दर्शन आदि समस्त धर्म ग्रंथों ने निषेध किया है। अब उसके बाद ये तो हो गया मुस्लिम काल में मूर्ति पूजा से क्या क्या नुकसान हुआ। अब मुस्लिम काल की उस दुर्दशा को देख करके, हिंदू जाति की दुर्दशा को देख करके और दुर्दशा के कारण को समझ करके, कुछ साधुओं ने, कुछ संतों ने उस मूर्ति पूजा के विरुद्ध आवाज उठाई। जैसे कि मैंने कल नाम लिया था गुरु नानक जी का, इसी तरह से कबीर जी का, दादू जी का, उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध आवाज़ उठाई क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये मूर्ति पूजा भारतवर्ष की गुलामी का कारण है। तो उन्होंने क्या कहा, गुरुओं की वाणी जो कि गुरु ग्रंथ साहब है उसमें मूर्ति पूजा विषय में कुछ बातें लिखी हुई है। उन्होंने लिखा, कहते हैं, पाथर ले पूजहीं मुगद गमार, वही जा आपी डूबे तुम कहा तरनहार, भूत पूज पूज हिंदू मुए तुरक मुए सिरुनाई, ओहने जारे ओहने गाड़े तेरी गति दुह न पाई, पूजी शिला तीरथ बनवासा भरमत डोलत भय उदासा, घर मही ठाकुर नदरी न आवे गल मही पाहणु लई लटकावे, जिस पाहन कऊ ठाकुर कहता ओहू पाहणु लई उस कऊ डूबता, गुनही गार लून हरामी पाहण नाव न पार गिरामी। गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ में मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए लिखा कि इक विनु सौन चिनार भंजन गड़न समर्थ सदा प्रभु जानत है करतार, कहा भयो जो अति हित चित कर बहु विधि शिला पूजाई, पा न थके पाहन कही परसत कछुकर सिद्ध न आई। इसी तरह से गुरु ग्रंथ साहब में भक्त कबीर जी की वाणी का भी संग्रह किया गया है। कबीर जी ने तो बड़े कड़े शब्दों में मूर्ति पूजा की आलोचना की है। उन्होंने अपनी साखी में लिखा, पाती तोरे मालिनी पाती पाती जीव, जिस पाहन को पाती तारे सो पाहन निर्जीव। इसी तरह से कहते हैं, जो पाथर को कहते देव ताकि वृथा होए सेव, जो पत्थर को देवता कहते हैं उनकी सेवा करना व्यर्थ है, जो पाथरों की पाई पाए तिसकी थाल अजाई जाए, अंतरी देव न जानू अंधु, हे अंधे लोगों तुमने तुम्हारे अंतरात्मा में विराजमान उस देव की अर्थात उस परमात्मा की तो पहचान नहीं की, भ्रम का मुहिया पावे फंदु, भ्रम में और मोह में अज्ञानता में पढ़ करके तुम लोग फंद में अर्थात बंधन में बंध जाते हो। फिर कहते हैं, पाथर पूजे हरी मिले तो हम पूजे पहाड़, या पाथर से चक्की भली जो पिस खाए संसार। कबीर जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर परमात्मा मिलते तो हम पहाड़ की ही पूजा कर देंगे, क्योंकि उस पत्थर से तो उस चक्की का जो पत्थर है वो अच्छा है जिसका पिसा हुआ संसार के लोग खाते तो हैं। इसी तरह से दादू कहते हैं, पत्थर पीवे धोए के पत्थर पूजे प्राण, अंतकाल पत्थर भय भाव डूबे अज्ञान। कहते जो पत्थर को धोकर के पीते हैं पानी और जो पत्थर की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भी पत्थर की तरह जड़ हो जाती है। इसी तरह से सत्यनामी करके एक संप्रदाय हुआ, उसके संस्थापक वीरभान जो कि दादू के ही समकालीन थे, उन्होंने अपने आदि उपदेश में 12 आदेश दिए थे और उन 12 आदेशों में एक ये था, उन्होंने लिखा था कि केवल एक ही ईश्वर को मानो, मिट्टी पत्थर लकड़ी या और किसी की बनी हुई चीज़ की पूजा ना करो। इसी प्रकार अपने 8वें हुक्म में वो लिखते हैं कि किसी भी मूर्ति के सामने अपना सिर मत झुकाओ। इसी तरह से एक अन्य संत हुए चरणदास जो कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे और राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक रामचरण हुए उन्होंने भी मूर्ति पूजा का आलोचन किया। संत नामदेव जी जिनके गुरु खेचर ने देव ने नामदेव को उपदेश दिया उनमें भी उन्होंने कहा था कि वह मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी हैं। वो कहते हैं कि पत्थर का देवता कभी बोलता नहीं है, न कभी किसी प्रकार का मार्गदर्शन करता है, किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं देता है, तो फिर वह हमारे इस जीवन के दुखों को कैसे दूर कर सकता है।
पत्थर की मूर्ति को लोग ईश्वर समझ के बैठते हैं, जबकि जो सच्चा ईश्वर है वो बिल्कुल अलग है। यदि पत्थर का देवता हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता तो गिराने पर वो टूट क्यों जाता है? जो लोग पत्थर के बने हुए देवता की पूजा करते हैं वे अपनी मूर्खता से सब कुछ खो बैठते हैं, ये उनका कथन है। जो लोग ये कहते हैं कि पत्थर का देवता अपने भक्तों से बातचीत करता है, वे दोनों अर्थात जो कहते हैं और जो उनकी बात सुनकर के विश्वास करते हैं, वे दोनों अज्ञानी हैं। भक्त रविदास जी ने भी अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया। महाराष्ट्र में भी तीन प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम आप सभी जानते हैं, संत तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास और संत ज्ञानेश्वर। इन्होंने भी मूर्ति पूजा और अवतारवाद का खंडन किया। संत तुकाराम जी मूर्ति पूजा के खंडन में बड़े दुख के साथ में कहते हैं, ज्याने देहासी निर्मिले जीव त्याने वसरले, ज्याच्चा सत्य ने वर्तती मूढ़ त्याने न जानती। कहते हैं जिस परमात्मा ने कृपा करके जीव के लिए मनुष्य देह को बनाया, मनुष्य रूपी मूर्ति को जिस परमात्मा ने बनाया, जीव ने उसी परमात्मा को भुला दिया और जिस परमात्मा की सत्ता से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लय हुआ करती है, उस परमात्मा की काल्पनिक मूर्ति बना दी। और कहते हैं वैसे अज्ञानी लोग चेतन परमात्मा को न जान करके अचेतन अर्थात जड़ पत्थर आदि की पूजा करते हैं। संत तुकाराम आगे फिर लिखते हैं कि ये मूर्ति पूजक मूर्ति बनाते समय पत्थर को हथौड़े से गढ़ते हैं और फोड़ते हैं और फोड़ने के बाद फिर उसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। जिस पत्थर को भगवान कहकर उसकी पूजा उपचार करते हैं उसके आगे बड़े आदर से हाथ जोड़ते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि वह पत्थर न तो सुनता है, न बोलता है, न देखता है, लेकिन फिर भी लोग उसे परमेश्वर मान रहे हैं। फिर कुछ लोग इस बात पर तर्क दिया करते हैं कि भावना ही सब कुछ है। अगर तुम इसमें पत्थर की भावना करोगे तो ये पत्थर होगा और अगर तुम परमात्मा की भावना करोगे तो परमात्मा होगा, जबकि ये तर्क बिल्कुल ही कुतर्क है, इसका कोई आधार नहीं है। मान लीजिए कोई अखाद्य पदार्थ है, तर्क सुनने में बुरा लग रहा है लेकिन सत्य है, मैं कड़वा सच इसलिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए गोबर है, उसको अगर उसमें हलवा का भाव किया जाएगा तो क्या वो परिवर्तित हो जाएगा? जो चीज़ जैसा है वह वैसा ही रहेगा, केवल भाव करने मात्र से परिवर्तन नहीं होने वाला। आप आग में पानी का भाव मानेंगे और ये कहते हुए उसमें हाथ डालेंगे कि नहीं ये तो पानी है, ये तो शीतल है, तो वह उसकी दाहकता अग्नि नहीं छोड़ने वाली, आपका हाथ जलेगा। तो जिसका जो गुण कर्म और स्वभाव है वो कभी भी नहीं छूटने वाला। परमात्मा का गुण धर्म और स्वभाव अलग है, वह त्रिगुणातीत है, वह चेतन है, वह सत्य है, वह आनंदमय है। जबकि पत्थर का गुण कर्म और स्वभाव उससे बिल्कुल भिन्न है, वह तो नित्य है, वह त्रिगुण से युक्त है, पांच तत्वों से युक्त है, इसीलिए परमात्मा से बिल्कुल भिन्न है। अगर आपको मूर्त रूप चाहिए, अगर आपको मूर्त रूप में किसी की पूजा करनी ही है तो फिर उस किसी पत्थर की पूजा करने से अच्छा ये है कि पांच प्रकार के चेतन मूर्ति हैं उनकी पूजा की जाए। तो संत तुकाराम जी ने उन पांच चेतन मूर्तियों की व्याख्या करते हुए कहा, माता पिता आचार्य अतिथि अरु गुरु सचेतन मूर्ति। कह रहे माता पिता आचार्य अतिथि और गुरु, ये पांच चेतन मूर्ति है। अगर इनके शरण में जाओगे, उनकी सेवा करोगे तो हो सकता है सच्चे गुरु की सेवा कर रहे हो, या फिर माता पिता ज्ञानी हैं तो तुम्हें सही उपदेश दे करके, सही ज्ञान दे करके तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकते हैं, तुम्हें धर्म के और साधना के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। और जब तक पत्थर की पूजा करते रहोगे तब तक इसी तरह से जड़ता को ही प्राप्त होते रहोगे। अभी भी लोग तर्क देंगे वही भावना वाली कि मूर्ति का भाव करना चाहिए, मूर्ति में परमात्मा का भाव करना चाहिए। कुछ लोग उस मूर्ति को आधार मानते हैं, कहते हैं कि मूर्ति हमें ध्यान करने का आधार देती है। जो वस्तु जैसा है ही नहीं वैसा आधार लेकर के क्या करना है? फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल दोनों बिल्कुल विपरीत चीज है। मूर्ति पूजा बाह्य आंख का विषय है,
और परमात्मा प्राप्ति अंतरात्मा की तरफ बढ़ने का विषय है, अंदर की तरफ बढ़ने का विषय है, ध्यान की तरफ बढ़ने का विषय है। तो दोनों सीढ़ियाँ, ये मूर्ति पूजा परमात्मा की तरफ ऊपर बढ़ने की सीढ़ी ना हो करके ये नीचे की ओर जाने की सीढ़ी है। सीढ़ी तो है लेकिन ये जहाँ आप हैं वहाँ से भी नीचे की तरफ ले जाने वाली सीढ़ी है। ये अध्यात्म की पहली कक्षा नहीं है, ये तो बिल्कुल भौतिकता की तरफ ले जाने की कक्षा है।